दर्शकों नमस्कार, doctor.com इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज मुझे doctor.com इस कार्यक्रम में इनबिसिन के स्टूडियो में आए हुए मेहमान, जो कि शहर के एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अब तक के कई ऐसे मनोरोगी जो होते हैं उनका इलाज किया है। जी हां, हम बात करने जा रहे डॉक्टर सुधीर भावे साहब के बारे में। डॉक्टर सुधीर भावे साहब आज doctor.com इस कार्यक्रम में इनबिसिन के स्टूडियो में आए हुए हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो दर्शकों, डॉक्टर सुधीर भावे साहब से हम मनोरोग क्या होता है इस बारे में तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सुधीर भावे साहब के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, आपने गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से MBBS आपने किया है। दर्शकों, इसके साथ ही डॉक्टर साहब ने मनोरोग शास्त्र में चंडीगढ़ से PGI में आपने MDB किया है। इतने ही नहीं तो उसके बाद आप UK में जाकर उच्च शिक्षा आपने हासिल भी की है, और हाल फिलहाल में आप नागपुर के लता मंगेशकर जो अस्पताल है वहाँ में साइकियाट्रिक में उस विभाग में आप प्रमुख भी हो, और साथ ही साथ प्रोफेसर का कामकाज भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। और दर्शक, मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर सुधीर भावे साहब के अस्पताल में ना सिर्फ नागपुर से बल्कि भारत के कई प्रांतों से, राज्यों से बड़ी संख्या में मनोरोग के ऐसे मरीज आते हैं, जैसे कि MP हो, छत्तीसगढ़ हो, विदर्भ हो, तेलंगाना हो, आदि राज्यों से बड़ी संख्या में मनोरोगी जो होते हैं आते हैं। जब आते हैं तो उनके घर के लोगों की जो हालत रहती है काफ़ी दुख भरी होती है, मगर डॉक्टर साहब से जब मिलते हैं तो उनका पेशेंट, उनका बच्चा, उनका मरीज अच्छा होता है। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, और यही खास बात हमारे शहर की ऐसी प्रतिभा संपन्न गुड पर्सनैलिटी जिन्हें हम कहते हैं नागपुर के रत्न के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, ऐसे डॉक्टर सुधीर भावे साहब के पास जब कोई आता है मुस्कुरा कर जाता है। तो आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे सर की ओर, और सर से ये जानना चाहेंगे कि सर, आखिरकार ये मनोरोग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है। यूँ देखा जाए तो जैसे कैंसर होता है, और तमाम ऐसी बीमारियां इस पूरे जो अपने ऑर्गन होते हैं उसमें होता है, लेकिन मानसिकता पहचानना यह सबसे बड़ी बात होती है। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल पहला यह है आपको कि किसी की मानसिक बीमारी को कैसे पहचाना जाता है, क्या सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं? मानसिक बीमारियां जो हैं इनके बहुत अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। वैसा अगर देखा जाए तो मानसिक समस्या और मानसिक बीमारी, इन दोनों में मैं थोड़ा फर्क करना चाहूँगा। लगभग हम सभी को कुछ ना कुछ मानसिक समस्याएं होती है, किसी को नींद थोड़ी कम आ रही है, किसी की एकाग्रता कम है, कोई कभी कभी थोड़ा ज़्यादा घबराता है। पर मानसिक बीमारियाँ हम तब कहेंगे जबकि मानसिक समस्याएँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हर रोज़ होने लगें, अधिकतर समय आप मानसिक समस्याओं में गुजारें, और जब मानसिक समस्याओं की वजह से या तो आपको खुद को बहुत तकलीफ होने लगती है या आपके कारण दूसरों को तकलीफ होने लगती है। अब जब मैं कहता हूँ कि खुद को बहुत तकलीफ होती है, तो इसके उदाहरण में देना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अक्सर उदास रहता है, कुछ कामकाज करने का उत्साह उसका खत्म हो गया है, जीवन में किसी चीज़ में रस नहीं आ रहा है, उसको डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो उससे दूसरों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी लेकिन खुद को होगी। इसी तरह जो रोगी जिनको स्किज़ोफ्रेनिया या मेनिया, इस तरह के कुछ गंभीर मानसिक रोग होते हैं, तो उनके कारण दूसरों को तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे मरीज उग्र हो सकते हैं, अचानक बहुत आक्रामक हो सकते हैं, कभी तोड़फोड़ करेंगे, या उनका बर्ताव अलग अलग ढंग से इस तरह का होता है कि समाज में उसको मान्यता नहीं है, तो ऐसी समस्याओं को हम मानसिक बीमारी कहेंगे। सर, ये तो बात रही मानसिक बीमारी के बारे में, लेकिन मानसिक जो रोगी होते हैं उनके कितने प्रकार के मानसिक रोग होते हैं सर? अगर हम मोटा मोटी देखें तो मैं कहूँगा कि दो प्रकार पाए जाएंगे। एक को हम लोग कहते हैं साइकोसिस, और एक जो साइकोसिस नहीं है, जिनका पुराना नाम न्यूरोसिस था। साइकोसिस जो होते हैं वो गंभीर मानसिक बीमारियाँ होती हैं। पूरे समाज में अगर हम देखें तो करीब 1-2% लोगों को साइकोसिस होती है। अब साइकोसिस के उदाहरण मैं अगर दूं तो स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डेल्यूजनल डिसऑर्डर, डेलीरियम, कुछ डिमेंशिया के केसेस, ये सारे साइकोसिस में आते हैं।
साइकोसिस वो बीमारी है जिसमें आदमी को दुनिया की पहचान नहीं रहती है, खुद के बारे में अच्छी समझ नहीं होती है, और जिनके बर्ताव में अपने को काफ़ी फर्क महसूस होने लगता है। यानी जब दूर से देख के लोग कहते हैं ना कि फला फला व्यक्ति, अब ये शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन ये पागल दिख रहा है या वो पागल हो गया या इसको मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा, तो जब इस तरह का बर्ताव दिखता है तो उसको हम लोग साइकोसिस कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है जिसे मैंने न्यूरोसिस कहा, तो न्यूरोसिस में जो लक्षण होते हैं वो इनसे थोड़े ज़्यादा माइल्ड होते हैं, थोड़े ज़्यादा साधारण प्रकार के होते हैं, जैसे रात को नींद ठीक से नहीं आना, कभी घबराहट थोड़ी ज़्यादा होना, किसी काम में एकाग्र चित्त न हो पाना या अक्सर उदासी बनी रहना, या कभी एक ही विचार बार 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 दिमाग में आता जा रहा है, कभी बिना कारण सर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, तो इनको हम लोग मोटा मोटी न्यूरोसिस कहेंगे। तो ये दो उसके प्रमुख प्रकार हैं। बिल्कुल, लेकिन सर ये भी देखने में आया कि जो मानसिक बीमारियों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी आम गलत जो फहमियाँ हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर ये हो रही है, तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है और ये गलत फहमियाँ क्यों मन में आती हैं? ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियों को लेकर गलत फहमियाँ होती हैं, डायबिटीज़ के बारे में अपनी गलत फहमियाँ हैं, कैंसर के बारे में अपनी अलग हैं, पर मैं ऐसा कहूँगा कि मानसिक रोगों के बारे में जितनी गलत फहमियाँ हैं उतनी शायद किसी भी प्रकार के बीमारियों में नहीं है। अगर हम लोग कुछ आम गलत फहमियाँ देखें तो ये हैं कि एक है जैसे कि अगर किसी को एक बार मानसिक रोग हो गया तो वो जन्म भर ठीक नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ी आम गलत धारणा है कि फला फला को 4 साल पहले मानसिक बीमारी हुई थी, अब वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रोग का शिकार हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल जो अलग अलग बहुत अच्छी उपचार पद्धतियां निकली हैं, कुछ बहुत अच्छी अच्छी दवाएं निकली हैं, तो इनसे मरीज पूरी तरह से ठीक हो पाता है। एक आम गलत धारणा है कि जिसको मानसिक रोग हो जाता है उसका बर्ताव बहुत ही विचित्र होना चाहिए, बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से। इसके लिए कुछ हद तक सिनेमा, सीरियल्स, इनमें जिस तरह से मानसिक बीमारियों का चित्रण किया जाता है, तो मैं कहूँगा कि वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि खासकर थोड़ा पुरानी फिल्मों में जब हम कोई मानसिक रोगी देखते हैं तो वो उछल कूद कर रहा है, जोर जोर से गाने गा रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, जैसे कि खिलौना फिल्म संजीव कुमार साहब की जो आई थी। और बहुत बार इन पात्रों को ऐसे हंसी का पात्र बना दिया जाता था, तो मानसिक रोगों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मित्र कई बार मुझे कहते हैं कि जब हम तुमको मिलने आते हैं तो तुम्हारे वेटिंग हॉल में बैठ के ऐसा लगता नहीं कि हम साइकेट्रिस्ट के यहाँ पे आए हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि सब बाहर इतने शांति से बैठे हुए हैं, कोई मेंटल पेशेंट नहीं लग रहा है। तो ऐसा है, यानी मानसिक रोगी बिल्कुल देख के पहचान में आए कि इसका बर्ताव बहुत ही गड़बड़ होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बात ये भी देखने में आती है कि कुछ बच्चे जो है जो मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ऊपर से छलांग लगा देते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, उनको सूझता नहीं है, तो ये जो प्रकार आता है ये काय में आता? मोबाइल का ये मैं कहूँगा बड़ा एक ज्वलंत विषय है, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन आजकल बहुत ही एक आम चीज़ हो गई है। मेरे पास माता पिता अगर एक 12, 14, 16, 18 साल के लड़के या लड़की को लेके आते हैं तो अधिकतर केसेस में जिस समस्या को लेके आते हैं वो तो रहती है, पर उसके साथ मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल ये हमको बहुत आम तौर पे मिलता है। बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं, रात को सोने के बजाय सुबह 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, तो ये एक तरह का एडिक्शन ही कहलाएगा, व्यसन कहलाएगा। यानी साइंटिफिक वैज्ञानिक जगत में इसको मोबाइल एडिक्शन के नाम से ही जाना जाता है, ये गंभीर समस्या है। सर एक बात मैं ये भी कहना चाहता था कि कुछ ऐसे विद्यार्थी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, बहुत दिन रात वो लोग जब पढ़ते हैं उनका भी असर कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क पे हुआ है, और वो भी कि डिप्रेशन बोलो या ऐसे मानसिक रोगी कहलाते हैं, तो पढ़ाई के दौरान भी क्या ऐसे दौरे आते हैं क्या? इसमें ऐसा है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई, जैसे मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो लोग कहते थे अबे ज़्यादा मत पढ़ पागल हो जाएगा। हाँ, सही। तो वैसा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से पागलपन होगा ऐसा नहीं, पर इसमें दो बातें मैं कहूँगा। एक तो ये है कि कई लोग मानसिक बीमारियों के लिए प्रोन होते हैं, प्रोन यानी उनको होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि अनुवंशिक तौर पे उनके घर में अगर मानसिक बीमारी रही होगी तो
तो ऐसे लोगों का यह होता है कि अगर किसी भी प्रकार का दिमागी तनाव अगर ज्यादा हुआ तो मानसिक बीमारी शुरू हो सकती है। अगर आपके बाप दादा परदादा या आपके रिश्ते में किसी को मानसिक रोग है और अगर आप किसी तनाव में से गुजरते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपको मानसिक बीमारी होगी। और दूसरा यह है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले अक्सर नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यानी मैंने ऐसे अनगिनत विद्यार्थी देखे हैं जो रात को 3 घंटा सोएंगे, 4 घंटा सोएंगे और पढ़ाई का बहुत तनाव लेंगे, रिजल्ट का बहुत तनाव लेंगे, पढ़ाई में डूबे रहेंगे। तो यहाँ समस्या हो जाती है क्योंकि जो अपनी नैसर्गिक क्रियाएं हैं जी, एक अच्छी कम से कम 7-8 घंटा नींद होनी चाहिए, बीच बीच में मनोरंजन होना चाहिए, नेचर के विरोध में हम लोग काम करते हैं। हाँ, सब का तो बिल्कुल एकदम सही है। तो ये निसर्ग के खिलाफ अगर आप जाओगे कि नींद बहुत कम लोगे, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, तो उससे मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। सर, खान पान का भी कुछ असर होता है क्या? खान पान का असर होता है क्योंकि अब अपने जैसे खाने की चीजें अगर अपन देखें तो अपने ब्रेन को सही मात्रा में विटामिन मिनरल्स ये बहुत आवश्यक हैं जी। और ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि खान पान में अगर कोई विशिष्ट विटामिन कम हो, विशिष्ट एलिमेंट्स कम हो, तो उनसे मानसिक समस्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत में विटामिन B12 की बहुत कमी होती है लोगों में जी, और B12 की कमी से तरह तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं। हमारे पेशेंट्स में जब हम लोग ये जांच करवाते हैं कई बार, तो उसमें हमको दिखता है कि विटामिन डी बहुत कम है, विटामिन B12 बहुत कम है, तो इनसे फर्क पड़ता है। और खान पान में अगर हम पान की बात करें तो पीने का और मानसिक समस्याओं का बहुत गहरा संबंध है। मद्यपी लोगों में मानसिक बीमारियां काफी आमतौर पर हमको मिलती हैं। बिल्कुल। और सर, एक भी ये भी बात देखने में ऐसी आती है कि जब कुछ ऐसे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे 70 और 75 उनकी जब उम्र हो जाती है, तो उनमें जो सोचने का जो उनका जो तरीका होता है, जो तौर तरीका होता है, या जो समझ पाने की जो शक्ति होती है, वो धीरे धीरे कम होती है, उन्हें भूलने की आदत होती है। तो क्या ये भी प्रकार उसमें आता है? ये आपने सही कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याददाश्त आस्ते आस्ते कम होती है। अब इसको अपन लोग नॉर्मल कहेंगे, यानी किसी भी वृद्ध व्यक्ति में धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है। अगर आप, मेरे ख्याल से आप ही अपना भूतकाल देखें, मैं खुद का भूतकाल देखूं, तो हम पाएंगे कि 20-25 साल या विद्यार्थी जीवन में जितनी याददाश्त थी उतनी अभी नहीं है, बातें हम लोग ज़्यादा भूलने लगते हैं। कुछ लोगों में मैं ऐसा कहूँगा कि जिनकी उम्र 65 साल के उस पार है, तो उसमें से करीब 5% लोगों में ये जो भूलने की प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी बहुत सारे घरों में दादा दादी नाना नानी इनमें से किसी को एक डिमेंशिया नाम की बीमारी मिलती है हमको जी। तो डिमेंशिया में यह होता है कि याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती है, कमज़ोर होती चली जाती है। जितनी बौद्धिक क्षमताएँ हैं, सोच विचार, गणित करने की क्षमता, एक आधी बात समझ लेने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, ये सारा कम होने लगता है। तो ये डिमेंशिया जो बीमारी है, अपने ब्रेन की बीमारी होती है, तो ये काफ़ी प्रमाण में ये अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें पाई जाती है। सर, आयुर्वेद को प्राचीन काल से बड़ा ही महत्व दिया गया है। ऐसे जो मनोरोगी होते हैं, तो बचपन से अगर उनके पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को कुछ अच्छी आयुर्वेदिक दवाई खिलाना चाहे, तो क्या हो सकती है? अब इसमें फ्रेंकली अगर कहूँ तो मैं जिस सिस्टम में पढ़ा हूँ वो मॉडर्न मेडिसिन वाली सिस्टम है। तो मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो आयुर्वेद से काफ़ी भिन्न है। अब मेरे कई मित्र हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अब वो बताते हैं कि शंख पुष्पी या ब्राह्मी इस तरह के कुछ दवाएं याददाश्त को बढ़ाती हैं, एकाग्रता को बढ़ाती हैं, पर सच कहा जाए तो मुझे इनका अनुभव नहीं है। क्या आलमंड खाने से भी होता है? एलमंड में प्रोटीन्स और कुछ बड़े महत्वपूर्ण अच्छे ऑयल्स और विटामिन्स होते हैं, तो एलमंड्स खाना ब्रेन के लिए अच्छा होता है निश्चित रूप से। सर, जब भी हम कुछ सफ़र करते रहते हैं तो ये देखा गया है कि हर चौराहों में एक दो पागल तो हम उन्हें कह नहीं सकते, मगर जिस जो पोजीशन में वे जो विम्सिकल जो लोग खड़े रहते हैं, तो उनमें वो कैसा डिप्रेशन आता है या वो मानसिकता का उनकी कैसी पहचानी जा सकती कि ये उनकी मानसिकता पहचानने का क्या बात है? आपने एक बहुत ही, मैं ऐसा कहूँगा, बहुत ही एक संवेदनशील बात छेड़ी है। ऐसा है कि ये सही ऑब्जर्वेशन है कि सड़क पे यहाँ वहाँ को कई ऐसे लोग दिखते हैं जो मानसिक रोगी हैं, देख के अपने को मालूम पड़ता है। दुर्भाग्य वाली बात यह है, इनका ऐसा होता है कि कई बार ये बेचारे ये अच्छे घरों को बिलोंग करते हैं, अच्छे घरों से होते हैं जी।
और एक बार मानसिक बीमारी हो गई तो मानसिक बीमारी कई बार आदमी को सड़क पे ले आती है। मेरे कई ऐसे मरीज हैं कि जो बीमारी के शुरुआती दौर में जब इलाज शुरू ही हुआ था घर छोड़ के चले गए और वापस कभी लौटे नहीं। तो इनमें कई बार ऐसा होता है कि मानसिक बीमारी हो गई तो कुछ बात समझ में नहीं आती, अता पता नहीं रहता है, लोग किसी भी बस में चढ़ जाते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, किसी अनजाने शहर में उतर जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वहाँ भीख मांगना शुरू कर देते हैं और फिर सड़क पे बच जाते हैं। तो हमको जो लोग सड़क पे दिखाई देते हैं जो मानसिक रोगी हैं, हो सकता है कि वो किसी दूसरे ही शहर में किसी अच्छे घर से आए हों, लेकिन आज वो खुद ये बताने की स्थिति में नहीं है कि वो लोग कहाँ से हैं। तो इनकी बहुत दुर्दशा है अपने समाज में। बिल्कुल, इस प्रकार के दुर्दशा यदि रोकना हो तो ऐसे लोगों को जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो एनजीओ है उन्होंने इन्हें दत्तक के नाम से अडॉप्ट करना चाहिए और अच्छी संस्था में इनका दाखिला करना चाहिए और इनको इनका जीवन संवर्धन अच्छा करना चाहिए ताकि ये जो मनोरोगी जो है जो जिस प्रभाव में जो कामकाज कर रहे हैं, हो सकता है कि डॉक्टर सुधीर भावे साहब जैसे लोग उनका अच्छा कर सकते, बशर्ते जो शहर के एनजीओ है और संस्था उन्होंने ध्यान देना चाहिए और जो 26 चौराहों में जो खड़े लोग जो दिखाई देते हैं उनका अच्छा कामकाज करना चाहिए और उनको इस प्रभाव से निकाल के अच्छे प्रभाव में लाना चाहिए, ऐसे ही कुछ डॉक्टर साहब का कहना है। दर्शकों, doctor.com इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का doctor.com इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी अभी अपने टीवी सेट शुरू किया उनको मैं दर्शकों बता दूं कि इनबीसिन के आज के स्टूडियो में doctor.com इस कार्यक्रम के लिए शहर के एक ऐसे मनोतज्ञ और जिन्होंने अब तक के सैकड़ों के हजारों मरीजों का कामकाज अच्छा किया है और उनको इस बीमारी से निजात दिलाया है, ऐसे डॉक्टर सुधीर भावे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भावे साहब से ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम कई ऐसे सवाल पूछे जिनके सटीक उन्होंने सवाल के जवाब दिए। ब्रेक के बाद हम आपका स्वागत करते हैं, ब्रेक के बाद आपका भी स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, और बढ़ते हैं उस सवाल की ओर जो काफ़ी दिनों से लोगों के मन में था। सवाल ये था कि आए दिन कुछ ऐसे ट्रक के क्लीनर्स हैं कि इतने मानसिकता के शिकार हुए हैं भावे साहब कि 40-40, 35-35 उन्होंने ट्रक ड्राइवर के मर्डर किए हैं। इतना ही नहीं तो कुछ रेलवे स्टेशन पे बीच में एक खबर चली थी कि एक ऐसा मनोरोगी था जिसने 35 महिलाओं का वो मर्डर करता था, खून करता था। तो ये जो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं ऐसा होता क्यों है और ये जो है कौन सा काइंड होता है इसका? ये एक आम भाषा में हम लोग इनको सीरियल किलर्स कहते हैं, सीरियल किलर्स जो एक के बाद एक मर्डर करते चले जाएं। सीरियल किलर्स में दो बातें पाई जाती हैं, एक तो या तो उनको बड़ा गंभीर प्रकार का जिसे हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी स्वभाव में कोई बहुत गहरा दोष जी वो पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी को बचपन में अपनी माँ के बहुत बुरे अनुभव होंगे, माँ ने बहुत प्रताड़ित किया होगा, माँ बहुत सजा देती होगी, बहुत मारपीट करती होगी, तो ऐसे में व्यक्ति नारी जाति का ही दुश्मन हो जाता है और एक ढंग से बदला लेने के तौर पे जो जो नारी दिखेगी उसको ख़त्म करना है जहाँ जहाँ मौका मिले, तो ऐसी एक उसकी मानसिकता बन जाती है। तो ये तो हो गया एक सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और दूसरा है कि इनमें से कई सारे मनोरोग से ग्रस्त होते हैं, मानसिक बीमारियाँ। अब जैसे मेरे ख्याल से आपने सुना होगा कि करीब 30-40 साल पहले बंबई में कनपटी मार था एक, वो काम पे यहाँ पे जो बेचारे भिखारी लेटे रहते थे जी जी उनके यहाँ पे काम पे एक उसने खास हथियार बनाया था ऐसा बिल्कुल, और वो मार के उनका खून करता था। तो कनपटी मार जो था वो दिमागी रूप से पीड़ित था, जब वो आखिर पकड़ा गया उसकी जाँच कराई गई बम्बई में साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाके उसकी विधिवत जाँच हुई और उसमें ये मालूम पड़ा कि इसको मानसिक बीमारी थी और उसको वो हर व्यक्ति अपना दुश्मन लगता था, उसको लगता था कि इनमें से कोई मेरा मर्डर करेगा तो क्यों ना भला मैं इनका मर्डर कर डालूं। तो बहुत सारे ये जो सीरियल किलर्स होते हैं वो इस भ्रम का शिकार होते हैं कि अगर मैंने खून नहीं किया तो बाद में ये लोग मुझे खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, और अक्सर ये खबरें भी चलती कि जैसे कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें ये देखने में आया हुआ है कि जब आरोपी से पुलिस पूछती कि तूने इसका खून क्यों किया तो वो ये कहता है कि साहब अगर मैंने इसका काम तमाम नहीं किया होता तो ये मेरा कर देता था। तो ये भी कहीं ना कहीं मनोरोगी या मानसिकता का ही असर है ऐसा आपका कहना है। सर,
जिस प्रकार से आपने कहा कि आपके पास चाहे अलग अलग जो स्टेट से जो मरीज आते हैं, तो थोड़ा बताइए कि मरीज किस प्रकार से आते हैं, उनकी क्या उम्र होती है? मरीजों की बहुत आजकल जो उम्र की रेंज है बहुत बढ़ गई है। यानी मेरे पास जो कम से कम उम्र के मरीज आते हैं वो 3 साल के 4 साल के बच्चे भी होते हैं। बच्चों में आमतौर पर समस्याएं ये होती हैं कि या तो दिमाग का विकास कम होता है जिन्हें मंदबुद्धि कहते हैं, या फिर कुछ बच्चों में एकाग्रता की बहुत कमी होती है, बहुत अति चंचलता होती है, स्थिर बैठ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊहम करते रहेंगे, माँ बाप परेशान होकर ले आते हैं, या कई बार बच्चे पढ़ाई में बहुत पिछड़े हुए होते हैं, रीडिंग राइटिंग पढ़ने लिखने में बहुत पीछे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को लाया जाता है। तो छोटे बच्चों से लेके एकदम बुजुर्गों तक, यानी उसको ऊपर की कोई सीमा नहीं है। मेरे पास 90-95 साल के अनेक मरीज लाए जा चुके हैं, तो ऐसा कहूँगा कि सारे ही उम्र के तबकों में से आते हैं। सर, ऐसे जो मनोरोगी जो आते हैं उनके लिए काउंसलिंग करना और दवाई देना, ये दोनों एक ही ट्रैक के दोनों बातें हैं, लेकिन इसमें सबसे कारगर बातें कौन सी अच्छी होती है? पहले आप उनका उनको काउंसलिंग करते हो या फिर दवा उनको बताते हो? काउंसलिंग करना या दवाएं देना, ये इलाज के दो मुख्य प्रकार तो हैं। अब किस मरीज में काउंसलिंग किया जाएगा, किस में दवाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किस में दोनों किया जाएगा, ये उसके डायग्नोसिस पे निर्भर करता है। यानी मरीज को जैसे हमने जांचा, उसके बाद उसका जो निदान किया, उसका जो डायग्नोसिस किया, तो उससे हम लोग तय करते हैं कि इसको किस तरह का इलाज देना पड़ेगा। अब जैसे कई समस्याएं होती हैं वो अपनी दैनंदिन जीवन की समस्याएं होती है। जैसे हमारे पास कई पति पत्नी आते हैं झगड़ते हुए कि डॉक्टर साहब हमारी बनती नहीं है। अच्छा, तो आते समय दोनों आते दोनों आते हैं, कुछ राय दीजिए ताकि हम दोनों में सुलह हो सके। तो ये केसेस हैं जहाँ केवल काउंसलिंग काम करेगा। या किसी में अगर स्वभाव का दोष है, स्वभाव में कुछ समस्याएं हैं, कोई चिड़चिड़ा है, कोई शक्की है, कोई बहुत गुस्सैल है, तो वहाँ पर काउंसलिंग काम करेगी। पर जहाँ मानसिक बीमारी का निदान है, खासकर गंभीर मानसिक बीमारी का, जैसे कुछ देर पहले मैंने साइकोसिस का जिक्र किया था, स्किजोफ्रेनिया है, मेनिया है, तो इस तरह की बीमारियों में दवाएं अनिवार्य हैं। अगर इसमें दवाएं अच्छे ढंग से सही समय तक न दी जाए तो फिर मानसिक बीमारी काबू में नहीं आएगी। तो वो केस पे निर्भर करेगा कि काउंसलिंग दिया जाएगा या दवा देनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मनोरोगी होती है कि जिनको शॉक दिए जाते हैं, करंट जिसे कहते हैं, लेकिन शॉक देने के बाद भी वो कुछ अरसे तक, कुछ समय तक तो अच्छे भले रहते हैं, लेकिन उसके बाद में वो फिर से जो अपना पुराना जो उनका जो चलता है वो मनोरोगी जोंकी तो रहते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से ये जो बिजली के करंट देना जो बोलते हैं, ये देना कितना उचित है? ऐसा होता है कि शॉक जो आपने कहा उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जी, तो शॉक एक इलाज का तरीका है जो कि जो गंभीर प्रकार की मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को बड़ा गंभीर साइकोसिस हो गया, कोई मारपीट कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, या खुद का नुकसान कर सकता है, या बहुत गंभीर डिप्रेशन है जी, कोई अवसाद का शिकार हो गया, आत्महत्या पर उतारू हो गया है, तो ऐसे लोगों में शॉक दिया जाता है। शॉक जहाँ जहाँ दिया जाता है वहाँ मैं ऐसा कहूँगा कि वो एक बहुत ही असरकारक इलाज है, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी बहुत ऐसे अनगिनत लोग हैं दुनिया के, तो छोड़ो भारत में ही और नागपुर में, कि जो शॉक के कारण जिनकी जान बच गई है, यानी जहाँ आत्महत्या होने का डर था वो टल जाता है। अब होता यह है कि शॉक से वो समस्या कुछ समय के लिए निकल जाती है। शॉक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाएगा ऐसा हर केस में होता नहीं है। यानी बहुत सारी केसेस में होता है कि आपने शॉक दे दिया तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, पर हो सकता है कि बीमारी दोबारा पलट के आ जाए जी। पर ये केवल शॉक के बारे में ही सही, ऐसा नहीं है। आप कोई भी उपचार पद्धति लो, आपने मान लो शॉक नहीं दिया, केवल दवाएं दी, पेशेंट ठीक तो हो गया, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद 4 साल बाद 10 साल बाद मानसिक बीमारी फिर से हो जाए। तो इससे ये ज़रूरी होता है कि मरीज ठीक होने के बाद कुछ अवधि तक, अब वो अवधि कितनी रहेगी, वो 1 साल रहेगी या 5 साल या जन्म भर की, तो ये केस पे निर्भर करेगा। तो पूरा ठीक होने के बाद भी एक निश्चित अवधि तक इलाज शुरू रखना बहुत आवश्यक है। सर, किसी भी डॉक्टर के पास जब आम पेशेंट जब जाते हैं तो उनको एक ब्रेन का टॉनिक दिया जाता है, तो ये जो ब्रेन का टॉनिक जो दिया जाता है कि उनका
मन अच्छा बने, उनका दिमाग अच्छा तेज तर्रार चले, वे मनोरोगी नहीं बने, इसलिए वो दिया जाता है। मगर सही मायने में देखा जाए तो वो जो टॉनिक लेने का लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, तो महज डॉक्टर द्वारा दिया जा रहा है ये जो टॉनिक है, या ये गलत बात नहीं है क्या? मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूँ, जैसे मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो मॉडर्न मेडिसिन, जैसे मैंने कहा, उसको फॉलो करते हैं, तो हमारे इसमें कोई ब्रेन टॉनिक नाम की चीज़ नहीं है। यानी आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट को ब्रेन टॉनिक देते हुए देखेंगे नहीं। ब्रेन टॉनिक वो दे सकते हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं है, या जिनको बीमारी का निदान ठीक से हो नहीं पाए, तो कुछ देना था इसलिए दे दिया था कि मरीज को भी अच्छा लगे। पर वैसा देखा जाए तो एक कोई एक एक चीज की ये ब्रेन टॉनिक है, इससे ब्रेन मजबूत होगा, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं। सर, एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मनोरोगी जो होते हैं उनकी ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट होने के बाद में वो मरीज को उनके घर के जो घर वाले जो होते परिवार, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको घर में नहीं लाते, अच्छे होने के बावजूद भी। आज भी पागलखाना में कुछ ऐसी केसेस पड़ी हुई है छावनी के, कि कई पेशेंट के परिजन उनको अपने घर न लाते, वहीं रखना पसंद करते। ये जो है, तो इसमें मानसिक मनोरोगी कौन, जो पेशेंट अंदर है पागलखाने में जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो, या उसके परिवारजन? ये मेरा सवाल। ये एक बहुत आम समस्या है। मैं भी काफ़ी समय तक मेंटल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ रहा हूँ और ये मेरा भी अनुभव है कि बहुत बार पेशेंट ठीक हो जाता है पर घर वाले मिलने भी नहीं आते। यानी छुट्टी करवा के घर ले जाना तो दूर, बल्कि एक बार वहाँ पे डाल दिया, उसको डाल देना ही कहेंगे, उसके बाद उसको नियमित रूप से मिलने नहीं आते हैं। अब इनमें से कुछ केसेस में ये होता है कि घर वाले कई बार शुरुआत में इतनी कठिन परिस्थितियों में से गुजरते हैं। अब होता है बहुत सारे मानसिक रुग्ण जो होते हैं वो बीमारी की हालत में बहुत ज़्यादा मारपीट करेंगे, घर में नुकसान करेंगे, घर का वातावरण बहुत एक कठिन बना देंगे, तो ऐसे में घर के लोगों के मन में डर बैठ जाता है और वही जो प्रतिमा होती है मरीज की कि भर्ती करने के पहले कैसा था, तो एक डर बना रहता है कि इसको घर वापस लाएंगे तो कहीं दोबारा वैसा ना शुरू कर दें। तो उससे तो भला है कि वो वहीं अंदर पड़ा रहे, जो भी होता है होता रहे। तो बहुतों की ये मानसिकता होती है। कई लोगों का ऐसा होता है कि कई घरों में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक ही नहीं होती है, यानी एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए, उसका अभाव रहता है। और इसके चलते फिर अपना मरीज ठीक हुआ नहीं हुआ, उसको घर में ज़्यादा अच्छा लगेगा बजाय कि वहाँ रहने के, तो ये सब सोचने के परे होते हैं कई लोग। तो उनके वो इतने संवेदनशील नहीं होते हैं कि अपना पेशेंट ठीक हो चुका है, उसको घर पे लाना है। तो हाँ, ऐसी बहुत सारी केसेस होती हैं। तो इसके ऊपर में कुछ सुझाव? मैं ऐसा कहूँगा कि इसमें थोड़ा जन जागरण बहुत आवश्यक है। कैसे किया जा सकता है? एक जैसे पहले आपने प्रश्न पूछा था और मैंने उत्तर दिया था कि मानसिक बीमारियों के बारे में गलत धारणाएं लोगों के दिमाग से निकालना, ये बड़ा आवश्यक है। यानी अगर जनता में ये जागरूकता पैदा की जाए कि मानसिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं और पूरा ठीक होने के बाद भी दवा जब तक डॉक्टर न बताए तब तक बंद नहीं करना है, तो इसका अगर पालन किया जाता है तो अधिकतर मरीज, मैं ऐसा कहूँगा कि 10 में से 8 पेशेंट, कम से कम 80%, उनका काम बड़ा अच्छा चलता है। तो अगर मान लो मेरा कोई मरीज मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है और अगर मुझे ये पता रहा कि ठीक है, बाहर आने के बाद अगर मैं इसकी दवा ठीक से कराता हूँ, डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाता हूँ, तो मरीज ठीक ठाक बना रहेगा, तो उसमें फिर मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर यह बात तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है कि यह पूरा अच्छा हो सकता है या आगे अच्छा चलता रहेगा, तो उसके चलते अपने को एक दुर्भाग्य देखने को मिलता है। सर, आप पिछले कई वर्षों से इस समाज की, इस देश के ऐसे मनोरोगी की सेवा कर रहे हो, तो जब आप घर में जाते हो तो घर के आपके जो परिवार वाले कहीं आपको शक की निगाह से तो नहीं देखते? ये तो आपको मेरे घर वालों से पूछना पड़ेगा, पर उनके बर्ताव से कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि उनको ऐसे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो आदमी जिस फील्ड में रहता है, हो सकता है कि उनकी भी मानसिकता ऐसी हो ना हो, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन एक बात तो तय है कि डॉक्टर सुधीर भावे साहब ने अब तक के कई हज़ारों केसेस को अच्छा किया है और आज भी उनके क्लिनिक में दूर दराज से, कई राज्यों से लोग आते हैं। ये वही लोग हैं जो जब डॉक्टर साहब अच्छा काम करते हैं तभी उनके पास आते हैं। और इसी बात को लेकर मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये भी है कि मानसिक रोगों का जो निदान है और उसका जो उपचार है वो किस ढंग से किया जाता है? पहले हम लोग निदान की बात करें तो
निदान करने के आमतौर पे तीन तरीके होते हैं जी। जैसे कोई मरीज जब हमारे पास लाया जाता है तो वो तीन बातें ये हैं कि एक तो मरीज का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार होता है, मरीज से कई सारे सवाल पूछते हैं उसके आंतरिक जीवन के बारे में, उसके विचारों के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में वगैरह। दूसरा है कि जिसे हम लोग एक मेडिकल हिस्ट्री कहते हैं, यानी घर वालों से अपने को जो ब्यौरा मिलता है जी, कि फला फला मरीज के बर्ताव में इनको क्या फर्क दिखा, वो कैसा बढ़ता गया, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, तो ये सारी जानकारी घर के लोगों से मिलती है, घर के लोग या जो भी मरीज को साथ में लाता है तो उनसे मिलती है। और तीसरा है कि कई बार हमको कुछ मानसिक या दूसरे परीक्षण करवाने पड़ते हैं, जैसे कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि वो जब मरीज को दिए जाएं तो मरीज उन पे क्या उत्तर देता है, इससे बहुत बार निदान होने में मदद मिलती है। और कभी कभार हम लोग खून की जांच के द्वारा या अपने ब्रेन के स्कैन होते हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है, तो इनकी भी मदद लेते हैं। तो इन सब का मिला जुला परिणाम ये होता है कि मरीज को क्या समस्या है ये खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो ये तो हुए निदान के तरीके। उपचार के तरीके जो हैं, तो मेरे ख्याल से पहले हम लोग इसका थोड़ा जिक्र कर चुके हैं। उपचार के तरीकों में दवाइयाँ, काउंसलिंग, ECT जो शॉक ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है, और कुछ उपचार पद्धतियाँ हैं जैसे रिलैक्सेशन थेरेपी है, बायो फीडबैक है वगैरह वगैरह। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो हैं उसमें दवाएँ हैं। दवाओं का बहुत बड़ा रोल है मानसिक बीमारियों में, और अधिकतर मानसिक बीमारियों में दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। और कई लोगों को समाज में दवाओं से डर रहता है, लोगों को लगता है कि एक गलत फहमी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे वो ऐसी है कि मानसिक रोग के विशेषज्ञ केवल नींद की गोलियां देते हैं और मरीज को सुला के रखते हैं। सही बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आजकल बहुत असरकारक दवाएं हैं जिनसे सुस्ती आती नहीं है, आदमी अपना रोज का दैनंदिन काम कर सकता है। तो दवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मानसिक बीमारियों में। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा ये था कि जिस प्रकार से जो दवाई जो आ रही है बाहर से या अपने शहर में भी जो बन रही है, लेकिन वो 100% अच्छी है, ये कैसा इसका टेस्टिंग कैसे होता है कि यस ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि आज के तारीख में हम देखते हैं कि दवाइयाँ नकली आ रही है, ऐसी बाजारों में चर्चा है, कई खबरें भी आई हुई है, आपका अनुभव क्या कहता है? ये आपने सही कहा कि बाजार में भी ऐसी दवाएं हैं जो नई होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो कानून अपनी जगह पे है, भारत में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन बातों की निगरानी करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ नियम कानून होता है वहाँ कानून तोड़ने वाले होते ही हैं। तो ऐसी कई कंपनियाँ हैं जो बहुत ही सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ निकालती हैं जिनमें दवा का की जो मात्रा है वो जितनी अपेक्षित है, जैसे 97-98% दवा उसके अंदर होनी चाहिए, उतनी ना होकर उससे कम होती है। तो इसलिए आमतौर पर हम लोग ये करते हैं कि जो नामी गिरामी कंपनियां हैं उन्हीं की दवा देखते हैं। अच्छा। जैसे कुछ कुछ कंपनियां हमको पता है कि फला फला कंपनियां जो हैं इनकी दवाएं स्टैंडर्ड होती हैं और इनसे मरीज को फायदा होता है, तो आमतौर पर हम लोग वो छोटी कंपनियां की, कोई एक आधा फार्मास्यूटिकल वाला मिलने आ गया कि साहब मैंने यहाँ शुरू किया है, थोड़ा मेरा लिखना शुरू कर दो, तो इतने आसानी से उनका लिखेंगे। अच्छा। क्योंकि उनका वो क्रेडिबिलिटी स्थापित नहीं हुई है अभी, तो अच्छी नामी कंपनियों की दवा लिखना मेरे ख्याल से वो उसके लिए एक अच्छा उपाय है। सही बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा बात होता है, जब तक अच्छा कोई कंपनी दवाई नहीं देगा तब तक डॉक्टर साहब भी उनके प्रिस्क्रिप्शन को लिखते नहीं हैं, और मरीजों का, क्योंकि आप जीवन संवर्धन ही करते हो, इसलिए ये जिस प्रकार से डॉक्टर साहब जो मतलब पूरा प्रिकॉशन जो लेते हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि ऐसे रोग आने नहीं देना चाहिए, पनपने से पहले हमने उसका निदान करना चाहिए। ये आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा एक सवाल ये भी था कि कोरोना कार्यकाल जो वुहान से आया, कोरोना ने जो संक्रमण ने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया, जो भारत भी इसमें अछूता नहीं रहा, भारत के कई राज्यों, राज्यों के कई शहरों, शहरों के कई ऐसे तमाम गली से लेकर दिल्ली तक कई ऐसे जो लोग हैं काफ़ी प्रभावित हुए हैं। मेरा सवाल ये है, क्या कोरोना में मनोरोगी की संख्या बढ़ी हुई है, या कोरोना वायरस ये भी एक मनोरोगी का पार्ट है? इज दिस इट इज द पार्ट ऑफ मनोरोगी? कोरोना वायरस मनोरोग का हिस्सा है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोरोना के दिनों में दो तरह की समस्याएं हमको आमतौर पर देखने में आई हैं।
एक तो यह है कि कोरोना के कारण लोगों में काफी डर, दहशत, घबराहट वगैरह फैल गई है। मेरे पास ऐसे कई मरीज आए हैं जिनको पहले कोई मानसिक समस्या नहीं थी, लेकिन कोरोना के दिनों में फिर ये मन में डर बैठ जाना कि मुझे कोरोना हो जाएगा। Exactly. हम लोग यदाकदा अखबार में पढ़ते हैं, चैनल्स में देखते हैं कि कोरोना से इसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो एक डर समा जाता है। कोरोना पॉजिटिव आजकल बहुत लोग निकलते हैं, तो कोरोना पॉजिटिव अगर हो गए तो सबसे उसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से वही दिखाई देने लगते हैं कि फला फला व्यक्ति को लंग का बहुत इन्फेक्शन हो गया था, फला फला ख़त्म हो गया, तो ये एक डर जो मन में है, तो ये डर कई मानसिक मरीज पैदा कर देता है। और दूसरी एक बड़ी समस्या मेरे देखने में यह आई है कि लॉकडाउन के दिनों में, अब लॉकडाउन कई महीनों तक चला, यानी अंतर्राज्यीय जो बस सर्विसेज हैं, ट्रेन से वो बंद रही, तो जो मानसिक रुग्ण इलाज ले रहे थे, दवाएं ले रहे थे, वो अपने डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाए। मेरे ऐसे अनगिनत मरीज हैं कि जो बेचारे कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई छत्तीसगढ़ से आता है, वहां दवाएं मिल नहीं रही हैं, मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बहुत मरीजों की दवाएं बंद हो गई दुर्भाग्य से, जो कि वो आमतौर पर बंद ना करते। और दवाएं बंद होने के बाद अक्सर मानसिक बीमारी बढ़ जाती है। तो जब से लॉकडाउन काफी हद तक खुला है, मैं ऐसे कई मेरे पेशेंट देख रहा हूं कि जो पहले अच्छी तरह जिनकी बीमारी नियंत्रण में थी, पर लॉकडाउन के कारण दवाएं नहीं मिल पाई और उस कारण से मानसिक बीमारी बढ़ गई। तो ये दो समस्याएं हैं जो हमको काफी दिखाई देती हैं आजकल। सर, विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में जिस प्रकार से जो मनोरोगी का जो आंकड़ा बढ़ा हुआ है, भारत का स्टेटस क्या है ऐसा आपको लगता है? भारत में ही पे बढ़ा है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया में मानसिक बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, मानसिक बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो हर जगह जहाँ जहाँ अर्बन एरियाज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं, तो वहाँ पे कुल मिला के एक जीवन का तान तनाव काफ़ी बढ़ गया है, जो स्ट्रेस के लेवल से लोगों में वो काफ़ी बढ़ गई हैं आजकल, अलग अलग कारणों से, विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेके, कॉम्पिटिशन को लेके, बाद में जाके नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी, इन बातों को लेके, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इन सब कारणों से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। नशे का व्यसन लोगों में बढ़ता जा रहा है जी। शराब लेने वालों की संख्या बढ़ गई है आजकल, स्कूलों में, कॉलेजेस में गांजा लेने वाले, भांग लेने वाले लोग बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जी। लोगों की जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, वो मैं कहूँगा काफ़ी मामलों में बिगड़ गई है। बहुत देर रात से सोना, रात को ठीक से नींद ना हो पाना, डाइट में समस्याएं, जैसे बाहर का बहुत ज़्यादा खाना जो बहुत हेल्दी नहीं है ऐसा खाना, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनका प्रभाव अपने मन पे और अपने मस्तिष्क पे पड़ता है। बिल्कुल, अगर इसे निजात पाना होगा तो हमें हमारा जो सिस्टम है उसको पूरा रेगुलराइज करना होगा, और हमारी जो दिनचर्या जो है उसको पूरे डिसिप्लिन में रखना होगा, ऐसे डॉक्टर सुधीर भावे साहब का कहना है। डॉक्टर सुधीर भावे साहब, एक मेरा आखिरी का सवाल ये था कि इस समय में जो हमारे इन बीच के तमाम लाखों दर्शक, खासतौर पर हमारे जो विद्यार्थी, जो युवा, हमारे जो साथी है, हमारे दोस्त है, हमारे प्यारे दर्शक है, आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, वो भी आपके नक्शे कदमों पे चलना चाहते हैं, वो भी भविष्य में मनोतज्ञ के नाम से इस समाज की, इस देश की सेवा करना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? मेरे ख्याल से एक बहुत आवश्यक बात जो मेरे मन में आती है वो ये है कि अपनी सोच को अगर हम लोग पॉजिटिव रखें, रैशनल रखें, तो उससे बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। आप भले विद्यार्थी हो, या आप कहीं नौकरी करते हो, आप कोई धंधा और कोई बिजनेस करते हो, या आप गृहिणी हो, बुजुर्ग हो, अपनी जो सोच है वो बहुत हद तक तय करती है कि अपना मानसिक जीवन कैसा होगा। अगर हम लोग सकारात्मक रहते हैं, आशावादी रहते हैं, भूतकाल पे कम रोते हैं और भविष्य की चिंता कम करते हैं, बट आज का जो दिन है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे मैं कर सकता हूँ अपना और दूसरों का भविष्य सुधारने के लिए, इस दिशा में अगर सोचते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत आवश्यक बात है। तो ये जो क्षण हमको मिला है आज, ये अभी का जो क्षण है, तो उसका सबसे आनंददायक और उपयोगी इस्तेमाल मैं कैसे कर पाऊँ, अगर मैं ये तय कर पाता हूँ तो मैं ऐसा कहूँगा कि जीवन नैया पार हो गई। बिल्कुल, फिर लाइफ ही स्ट्रगल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लाइफ अच्छा एवरग्रीन हो सकता है, बशर्ते हमने डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से ये जो मार्गदर्शन किया है उसके ऊपर में
इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों, जो इसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करेंगे, खास मेरे विद्यार्थी युवाओं के साथियों के लिए कहना चाहूँगा कि आप भी अपना मुकाम हासिल कर सकते हो, आप भी देश की सेवा कर सकते हो, बशर्ते सकारात्मक सोच रखना चाहिए, बी पॉजिटिव, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। तो दर्शकों, आप थे doctor.com इस कार्यक्रम में। आज के हमारे मेहमान मनोचिकित्सक डॉक्टर सुधीर भावे साहब। अगली बार doctor.com इस कार्यक्रम में फिर किसी शहर के नए ऐसे पर्सनैलिटी डॉक्टर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इनविजन के स्टूडियो में आए और जिस तरह से जो अच्छी अच्छी जानकारी जो दी है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत बहुत आपको थैंक्स कहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, मिलेंगे doctor.com के नए प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।